अरे अरे डॉलर जो 20-20 के नोट है ना, वो तोड़ लो, मैंने तो तोड़ अच्छा लिए हैं अच्छा बिल्कुल। पता भी होना ऐसा चाहिए। वीडियो मिलेगा नहीं, मेरी बात सुनो, हाँ न्यूजीलैंड का ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, न्यूजीलैंड का वीडियो मिलेगा लाखों कमाओ, झूठ उनके छितर मारो सालों में। हाँ एक तो यार देखो मेरी दाढ़ी है, व्हाइट हुई पड़ी है, टोटल झूठ और बकवास लोग इतनी बना बना के डाल रहे हैं। मैंने स्क्रीन, भाई क्यों हरासमेंट कर रहे हो, 3 लाख कमाओगे, 5 लाख कमाओगे, ग्रोसरी शॉप में जॉब तुम्हारा बाप दे रहा है क्या, समझ नहीं आती। इतने झूठ भर भर के बोल रहे हैं यार, क्यों भाई। न्यूजीलैंड में वो बंदे मर, वो समझ के आओ लाखों रुपए के जो सपने देख रहे हैं ना हम लोग कमाएंगे, भाई कुछ नहीं बनता है, एजेंटों के बहकावे में मत आओ। और सही ये बात। सब जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना साले, फेक वीडियो कर रहे हो बना। आप तो अभी अभी कहाँ पे हो, कौन सी उसमें हो आप? अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ सर, अभी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न, नीचे, क्वींसलैंड हाँ कहाँ पे? अच्छा मैं सिडनी में हूँ सर। हाँ सिडनी में ही हो। ओके, और जी, वैसे फ्लाइट भी मेरी सबसे सस्ती मिल रही होगी आपको तो अभी आप। हाँ सस्ती तो ऑलमोस्ट यार 1,80,000 रुपये करीब नहीं 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 टोटल नहीं लगी है। हाँ न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया सिडनी वो फ्लाइट तो मुझे मिल गई थी सर 22,000 रुपये, 22,000 में, ठीक पहले है। मिली थी 14,000 रुपये की, अब 22 में ओके मिली है। ठीक है। तो सर अभी आपने लेटेस्ट ट्रैवल किया, लेकिन अभी हम इस वीडियो में तो बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड में। अभी जो देखो आप वहाँ पे रहे हो, तो जॉब के बारे में क्या है, सिचुएशन कैसी है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। आपने वहाँ पे ट्रैवल किया है, घूमे हो, सारी चीज़ें देखी हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या लगा कि भाई रियलिटी क्या है। रियलिटी ही हम बताना चाहते हैं लोगों को। सर न्यूजीलैंड अगर हम लोग उसकी क्वालिटी देखें, वेदर देखें, और उसकी जो ऑक्सीजन है वो तो बहुत बढ़िया है, ब्यूटी। पानी भी अमृत है, मतलब खाना पीना भी बहुत बढ़िया है। पर अगर लोग कह रहे हैं ना कि जॉब, तो जॉब वहाँ बहुत 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 डिफिकल्ट काम है। आपको इस टाइम खेतों में जॉब मिल सकती है, अदरवाइज आदमियों का फ्लड आ गया है इंडिया पाकिस्तान अच्छा। और बांग्लादेश नेपाल से। जैसे हमारे इंडिया में बाढ़ आई हुई है ना, वहां पे आदमियों की बाढ़ आई हुई है, अच्छा, तो तो मतलब मतलब एशियन काफी एक सारे जा रहे जॉब, हैं। हाँ एक जॉब है, एक जॉब के बीच में 10 लोग कहते हैं कि हमें काम पे रख लो, हमें रख लो। और वहां पे लोगों ने क्या सिस्टम किया हुआ है, लोगों ने अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले बुलाए हैं, उनसे 20-20, 22-22, 25-25 लाख रुपए लिए हैं। अच्छा जी, और जबकि इतना पैसा आपको लगता पता है। है कि, हाँ बिल्कुल, और आपको पता है कि टूरिस्ट वीजा की कॉस्ट सर कितनी है, आपको पता हाँ ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल भी वीजा लगवाए हैं बिल्कुल और मैंने भी बिल्कुल लगवाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल 30-35 हज़ार में टोटल फाइलिंग हो जाती है, इंक्लूड मैसी फीस, और फिर भी लोग दे रहे हैं पैसे। बेवकूफ समझता हूँ मैं उन लोगों को। अब मेरे को देख लो, मैंने इतनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है भाई, मैं तो अपनी जेनुअन सी फीस भरता हूँ और पहुंच जाता हूँ। मतलब आप कह रहे कि जैसे टूरिस्ट वीजा लगता है बंदों का, टूरिस्ट वीजा पे वो जाते हैं, तो उस चीज के 20-20 लाख रुपए भी लिए जाते हैं वहाँ पे अपने इंडियन हाँ समझ बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। और मैं एक चीज बता दूं, अगर कोई बंदा वाकई जॉब करना चाहता है ना, देखो पैसा वहां बनता है यार, 51 के करीब डॉलर चल रहा है। और अब मैंने वहाँ एक्सपेंसेस, तो एक तो न्यूजीलैंड एक्सपेंसेस बहुत हो चुका है, वहाँ पेट्रोल डीजल की रेट बहुत ज्यादा पड़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा महंगा है, और जो ट्रेन है वो थोड़ी सी चीप पड़ती है लेकिन चीप अच्छा नहीं है यार, अच्छा और जो उनकी बसेस है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली अच्छा हैं। कुलदीप जी, तो अगर जो आप बता रहे थे जैसे कि आपको कहीं इंडियन भाई मिले वहाँ पे, है ना, और क्योंकि 20-20 लाख रुपए दे के आए थे, आपको ग्रुप मिला था वहाँ पे, हाँ एक लेकिन नहीं यार, कम से कम 150-200 बंदा मिला जिससे बात कर रहा हूँ, और वो भी मेरे हरियाणा में, मेरे एरिया के हैं, हिसार, कैथल, बरवाड़ा, उकलाणा, नरवाना, सिरसा, जो मेरे एरिया के हैं। मैं यार हैरान रह गया यार, इतने पैसे दे के आए हुए हैं, और और आए हैं लोगों वो को कहा टूरिस्ट गया वीजा है, पे ही हाँ उनको लगता है कि वहाँ काम है, यार काम। काम नहीं है, काम नहीं। वो लोग टूरिस्ट वीजा लेके आए, टूरिस्ट वीजा पे तो वैसे भी वर्क करना अलाउड नहीं होता, और लोग इतना पैसा दे दे के आए हैं, और उनको ये सपने दिखाए गए थे कि आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ कन्वर्ट हो जाएगा, आप कोई अच्छा एम्प्लॉयर ढूंढ लो। आप एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर पता क्या करता है, कुलदीप जी, एम्प्लॉयर कहता है भाई हाँ इस पे मैं इसे बात करते हैं। 40,000 डॉलर लूंगा, मैं आपका वीजा कन्वर्ट करवा दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सा पेपर वर्क करना पड़ता है वहां पे। लॉयर बंदा, जो एम्प्लॉयर होता है वो लॉयर हायर करेगा, वो उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो फिर उसके आधार पे वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा भाई, जो इतना पैसा दे के गए हैं, और 7-8 लोग तो मेरे साथ वापिस ही आ गए, मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, वो एयरपोर्ट पे मिले, कहते नहीं यार न्यूजीलैंड हमें जमा नहीं यार, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। लोग यार मेरे लगा लो, मैंने 1.5 लाख रुपया खा लिया 15 दिन में,
10,000 रुपये मामूली सी बात है, खर्चा है। अच्छा और मैंने जो एक मोटल लिया था 80,000 रुपये का, तो वही था 5 नाइट का, 5 डे का। ओ और मैं 15 दिन में 1.5 लाख रुपये खा चुका हूँ, तो आप हिसाब लगा लो भाई। चलो मेरे तो यार ये है कि मैं घूमता हूँ, खर्चे अफोर्ड कर लूंगा। अब जो लोग बेचारे सपने दे के बेचारे गए थे, सपने लेके अपने पैसा लगा के इतना गए थे, वो लोग पहले तो उन्होंने पैसा लगाया, वीजा एजेंट को पैसे दिए, फिर अपने टिकट की, अब वहां पे बैठ के खा रहे हैं। और कुछ लोग तो हरासमेंट होके ना एक एक महीना रुक के और वहाँ आगे, और जो वीकली रेंट चल रहा है वहाँ 220 230 वीकली रेंट चलता है, मंथली नहीं होता, वीकली रेंट होता है वहाँ अच्छा 220 डॉलर। पे। अब मान के चलो कि 800-900 डॉलर पकड़ लो आपका रेंट है, और उसके बाद में आप ग्रोसरी का लगा लो कि 500 डॉलर, तो यार मामूली कितना पेट को आप अपने को दबा के रख लोगे यार, भूख तो लगेगी ना तुम्हारे को। बिल्कुल 500 डॉलर वो लगा लो, बिल्कुल 1400 डॉलर हो गया। अब मान के चलो कि आपको ट्रांसपोर्ट इधर उधर भी जाना पड़ेगा यार, तो मतलब 100 डॉलर कर लो चलो मिनिमम, वैसे है नहीं ज्यादा लगेंगे, चलो 1500 डॉलर लगा लो। अब 1500 डॉलर मेरे भाई इंडिया के लगभग 80,000 रुपये हो गए, पेट बिल्कुल बिल्कुल। दबा के अपनी ख्वाहिशों हाँ को जी, मार हाँ के। जी, हाँ जी, और थोड़ा बहुत अगर आप कोई घूमने जा रहे हो तो भाई 1 लाख रुपया पकड़ लो, तो भाई और चलो सैलरी वहां इस टाइम खेतों में जो चल रही है, बंदा 100 डॉलर रोज के बना रहा है। कीवी तोड़ने की। हाँ 100 डॉलर कीवी तोड़, अभी तो ना वहाँ कीवी तोड़ने का काम नहीं हो रहा है, वहाँ प्योरिंग हो रही है। ओके उसमें क्या होता है कि आपको टहनियाँ काटनी पड़ती हैं कीवी की, अच्छा ठीक और है। उसमें भी गोलमाल है। उसमें भी क्या है कि बोलते हैं कि ना अपना 200 डॉलर का तो आपको कटर लेना पड़ेगा, और एक हफ्ता आपको ट्राई करनी पड़ेगी। मेरे को भी एक ऑफर आया, मैं कहा भाई मैं मेरे घर से बेला नहीं हूँ, इंडिया में अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ भाई, मैं अच्छा मेरे नीचे 4 आदमी काम करते हैं, मैं खेतों में तुम्हारी टहनियां काटूं, पहले तो 200 डॉलर का मैं कटर लूं। और फिर कहते 1 वीक के लिए आपको ट्रायल देना होगा, मैं कहा अच्छा 1 वीक आपको ट्रायल दूंगा, मैं वीकली रेंट दूंगा और खाऊं पीऊंगा, और भाई मैं तो तेरे को 30-35 हज़ार रुपये दे जाऊं और पैसे लेके ना जाऊं मैं अपने। तो मैं कहा भाई अपने से होने वाला तो ये काम है नहीं। और जो लोग कहते हैं न्यूजीलैंड में डॉलर बनते हैं, भाई मैं कह रहा हूँ हाँ पेड़ पे लगे हैं तोड़ लाओ, मैं तो तोड़ के ले आया हूँ, अरे अरे डॉलर जो 20-20 के नोट है ना वो तोड़ लो, मैंने तो तोड़ लिए। तो भाई मैं तो तोड़ने गया भी नहीं था, मैं तो घूमने जाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ आपको पता ही है। और फिर मैं अच्छा अब ऑस्ट्रेलिया आ जाऊँ, ठीक है। अगर कोई आना चाहता है, हाँ कोई सपना देख रहा है ना ऑस्ट्रेलिया पैसा कमाने का, हाँ ऑस्ट्रेलिया पैसा बनता है, आपको जॉब भी इजीली मिल जाएंगी। वहां जॉब नहीं है यार, अच्छा वो तो उसने न्यूजीलैंड ने वीजा इतने बांट दिए, लोग बोरियां भर भर के लोग पहुंच गए, मतलब वो तो इमिग्रेशन पैसा ही इकट्ठा कर रहा है। आपको पता है टिकट 1,80,000 रुपए की बिल्कुल है, वीजा फीस इकट्ठी कर रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन, भाई हम लोग 14 लोग थे फ्लाइट में, मैंने शायद आपसे पिछली बार हाँ भी जी, हाँ जिक्र किया था, जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मैं था और एक मेरे साथ में था एक लड़का जालंधर का, हाँ हम वो 2 ही लोग पास हुए, बाकी 12 लोग डिपोर्ट कर दिए उन्होंने। भाई बड़े सपने लेके जाते हैं सही लोग, और बात है। किसी को और सिंगापुर ऊपर से से डिपोर्ट इतनी कर रहे महंगी हैं, टिकटें, इतनी महंगी टिकटें। सिंगापुर से डिपोर्ट, चलो आप दिल्ली से निकल गए, अमृतसर से निकल गए, सिंगापुर से डिपोर्ट, भाई साहब आप अमृतसर और हांगकांग से डिपोर्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थाईलैंड से डिपोर्ट, बिल्कुल मलेशिया से डिपोर्ट, चलो बिल्कुल। आप वहां पहुंच गए न्यूजीलैंड पहुंच गए, भाई वहां तो आपको 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू करते हैं, बंदा हार मान जाता है डिफॉल्ट, बिल्कुल। तो बड़ी हरासमेंट होती है भाई। तो हाँ कुलदीप जी, जॉब एक चीज़ बताइए बहुत मुझे। मुश्किल है। हाँ, जैसे आपने बोला कि भाई, जैसे बहुत बंदे का ये किया कि टूरिस्ट वीज़ा ले लिया, चले गए, पैसे वैसे दे के चले गए, लेकिन जब तक बढ़िया एम्प्लॉयर ना हो तो भाई कन्वर्ट नहीं हो सकता है कि नहीं? यही चीज़ कई बिल्कुल कई बंदे पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब तक कोई बढ़िया कंपनी या एम्प्लॉयर आपको नहीं मिलेगा तो नहीं हो सकता आपका, क्योंकि भाई हाँ इसमें भी काफ़ी स्कैम चलता होगा वहाँ पे। बिल्कुल सर। ए रोबिन सर आप थोड़ा सा फेस अपना ऊपर कीजिए, आपका फेस थोड़ा कट रहा है, हाँ अब थोड़ा ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपकी 3 हेल्प करने वाला हूँ इस वीडियो में। किसी बंदे को जेन्युइन, जिस बंदे के पास वीजा है, जिस बंदे ने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया से, क्योंकि मैं घूमता हूँ तो भाई मैं रेफरेंस ही बनाता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मेरा भाई कोई पैसे कमाना चाहता है ना न्यूजीलैंड जाके, जिसके पास वीजा है, तो भाई वो 3 चीज सीख के जाए। एक तो यार देखो मेरी दाढ़ी है, वाइट हुई पड़ी है ना भाई, इसके $50 मांग रहे थे, मैंने बोला $50 2,500 रुपये हो गए, मैं तो घर पे जाके भाई 50 रुपये में करवा लूंगा। सही बात है, सही बात है। दूसरी बात,
बात उस है। बंदा बार बार है तो भाई साहब वहां डिमांड है। अच्छा दूसरी बात, बंदा शेफ है तो बहुत डिमांड है। तीसरी ठीक ठीक बात, ठीक ठीक जिस बंदे के पास हैवी लाइसेंस है, जिसको भाई ड्राइवरी करनी आती है, तो वहां पे जाके भाई $500 में आप अपना लाइसेंस बनवाओ। और जो उनकी एक एप्लीकेशन है सीक सीक जॉब करके, SEEK जॉब, उस पे आप अप्लाई कर दो भाई साहब, बहुत मेल आएंगी। मेरे पास बहुत आती है, मेरे पास हैवी लाइसेंस है, मैंने हरियाणा रोडवेज चलाई है। और दूसरा, मैं पीछे भाई जब ये इमिग्रेशन का ये काम नहीं करता था, तब मैं एसी का मैकेनिक भी हूँ, और मेरे पास बंदे काम करते हैं, तो मेरे पास हाथ में, मेरे हाथ में स्किल है, तो मेरे पास अपने पास डिप्लोमा डिग्री भी है, पढ़े इनका सर्टिफिकेट है पढ़ा, तो उस बंदे को भी भाई जॉब वहाँ मिल जाएगी। अच्छा लेकिन उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर आपका हाथ पकड़ेगा नहीं जब तक आपके पास रेफरेंस ना हो। तो रेफरेंस में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा भाई। और मेरी तो वही एक छोटी सी सर वही आपसे रिक्वेस्ट होती है भाई, जिस बंदे को मेरी एडवाइस चाहिए, लिंक आप दे दोगे मेरे यूट्यूब का, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9466540095 पर स्क्रीनशॉट भेज दो। इंस्टाग्राम आईडी कुलदीप सिंह बूटा फॉलो कर लो, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा भाई। ठीक है। तो भाई देखो, ये आपने रियलिटी इन्होंने बताई है, इन्होंने जो चीज़ वहाँ पे देखी है, जो फील करी है, वही आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ये इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से ही आप लोगों को ये बता रहे हैं। ठीक है, और जो रियलिटी है अभी, जैसे बहुत बहुत लोग आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे काफ़ी सारे कि भाई इतनी सारी जॉब्स हैं न्यूजीलैंड में, ये है वो है, तो भाई उन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचा करो, क्योंकि रियलिटी एक्चुअल में कुछ और ही होती है। सर टोटल झूठ और बकवास लोग इतनी बना बना के डाल रहे हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। इस पे मैं आप वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, और एक मैं अपनी तरफ से वीडियो बनाने वाला हूँ। भाई क्यों हरासमेंट कर रहे हो, 3 लाख कमाओगे, 5 लाख कमाओगे, ग्रोसरी शॉप में जॉब तुम्हारा बाप दे रहा है क्या? समझ नहीं आती, इतने झूठ भर भर के बोल रहे हैं यार। क्यों भाई, न्यूजीलैंड में वो बंदे मर गए हैं उनके, तो उनको इंडिया से बंदे चाहिए। और ये हमारे बेवकूफ है ना, जो हरियाणा पंजाब के धड़ाधड़ भरे भर भर के जा रहे हैं, कुलदीप जी, वहां कमा लो भाई डॉलर, कोई लगे सेंस नहीं बनते लग मेरे रहे हिसाब हैं से। पेड़। जैसे 20-20 लाख रुपए दे के टूरिस्ट अरे वीजा पे यार, वहां पे जा रहे मेरी हैं, मेरी जॉब बात का कोई रोबिन मतलब। जी, अब मेरी बात सुनो भाई, एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, $5 कटते हैं भाई, $5 260 रुपये हो गए भाई, 52 रुपये पकड़ लो कन्वर्ट करवा के। बिल्कुल मान बिल्कुल लो आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, $5 गए। हाँ, उन आम का दूध सस्ता है और उनकी कीवी कीवी सस्ती है। कीवी तो जैसे आप आम खा रहे हो भाई, क्योंकि ठीक उनका है, फ्रूट है ना, और बिल्कुल दूध बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल। और बाकी चीजें भाई बहुत महंगी है, ग्रोसरी बहुत महंगी है। मैंने ये एक आप ऑनियन बता रहे लिया हो कि दो बेसिक डॉलर चीज़ें जैसे खाना हो गया, इंडियन खाना देखेंगे तो वो महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन वो भी महंगा है ना, बेसिक चीजें। सर, इंडियन खाना नहीं, उनका खाना हमारे खाने से ज्यादा महंगा है। हाँ, दो तीन चीजें और पकड़ के चलो, अगर आपको ग्रोसरी का सामान लेना है ना, तो वहां पे कोरियन मॉल बने हुए हैं, कोरियन, वहां पे आपको देखो, मैंने ओनियन लिया $2 का, और वहां पे ना 7-Eleven करके, उस पर भूल के भी मत जाना, वो $2 वाली चीज $4 की मिलेगी, क्योंकि अच्छा वो 24 घंटे ओपन रहता है ना, तो उनके चार्ज भी डबल है। ठीक है ठीक है। आप एक तो कोरियन शॉप पे जाओ, दूसरा आप इंडियन शॉप पे जाओ, गूगल मैप लगा लो भाई, थोड़े बहुत सर्च आउट करके जाया करो। बिल्कुल मैं बिल्कुल ये चीजें सर्च करता हूँ, आपका इस चीज में फायदा होने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको कोरियन शॉप पे जाओगे, आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा, इंडियन में मिल जाएगा, ये दो चीजें पकड़ के चलो। और दूध सर एक के साथ एक फ्री है, दूध भी आप मतलब कि वो ही लो जो 1 बाय 1 गेट फ्री हो, ठीक है? ये लोगों को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए यार, क्योंकि बिल्कुल, बेचारे पैसा खर्च करेंगे। ये आपने सही बताई, बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब ये बेसिक चीज़ है ना जो अभी आप बता रहे हो, ये रोजमर्रा की चीजें हैं इन पे कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाएगा, सर, कोई नहीं बनाता। हाँ रोजमर्रा की चीजें हैं। दूध आपको रोज चाहिए, प्याज आपको रोज चाहिए मैं वही भाई, तो कह रहा हूँ सर, लोग मतलब जो बेसिक चीज़ें इंडिया हैं में ना, जो सबसे ज़रूरी है, मेरे हिसाब से इन पे कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाएगा। हाँ, वीज़ा और लाखों रुपए कमा रहे हैं फलाना ढिमकाना, इन पे वीडियोज़ ही वीडियोज़ है, इन पे लाखों वीडियोज़ मिलेंगे। लोग कह रहे हैं कि इंडिया में टमाटर के रेट बहुत बढ़ गए हैं, हाँ तो भाई मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी थोड़ी देर में अपलोड करूंगा, इंडिया जाके करूंगा भाई। ओनियन $2 का, 110 रुपये पकड़ लो, और एक बनाना लिया वो भी $2 का, तो भाई इंडिया से सस्ता कोई देश इंडिया नहीं से है सस्ता भाई, कोई देश नहीं है भाई, इंडिया मैं जैसा तो हर एक खाना नहीं वीडियो में मिलेगा बोलता हूँ। आपको। हाँ, तो ये चीजें मतलब ये नॉलेज की चीजें हैं। और दूसरा एक चीज और बता दूं मैं आपको,
इनका एक और गड़बड़ है, आपने एक कार्ड बना लिया इनका, जो मैंने ओकलैंड में कार्ड बनाया भाई वो वहीं चलेगा, वो भी मैं लिंक्डइन में ही हिमलिंटन चलेगा। में गया, नहीं, हिमलिंटन में गया वहां उनका बीबी करके कार्ड चलेगा। रुको अच्छा कार्ड पड़े हैं मेरे पास, एक मिनट मैं लोगों को कार्ड दिखा दूं। दिखाओ दिखाओ। यार सब चीजों के पैसे हैं, वो पूरा लूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये एटी होप करके कार्ड है इनका, ये आपका ओकलैंड में चलेगा, ठीक है। और मैं एक और कार्ड दिखाता हूँ इनको, ये हिमलिंटन में चलेगा भाई। और एक विंगलिंटन का है, वो मेरा ना लगेज में पड़ा है, वो ऊपर विलिंगटन पड़ा है, का। उसका हाँ जी हाँ जी अलग बनेगा। हाँ हाँ तो भाई आप हिसाब लगा लो मतलब यार, स्टेट एक वाइज एक अलग बनाना कार्ड, पड़ता है। हाँ बिल्कुल बनाना पड़ता है। तो भाई काफी कॉस्टली है, और सोच समझ के आओ, लाखों रुपए के जो सपने देख रहे हैं ना हम लोग कमाएंगे, भाई कुछ नहीं बनता है, एजेंटों के बहकावे में मत आओ। और सही ये बात। सब जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना, साले फेक वीडियो बना रहे हैं, इनकी सालों की कंप्लेन होनी चाहिए यार। अब बंदे को उनके देश से निकाल दिया, 20-20 लाख, एक तो मेरे को जोड़ा मिला था भाई पंजाब का, वो भी पैसे कमाने में। हाँ भाई कमा लो तुम भी पैसे। ठीक है। वो रो रहे थे, आज मेरे पास फोन आया था, कहते यार काम नहीं मिल रहा, हम वापिस जाते हैं। मैंने कहा कितने दिन हो गए अब आपको बैठे हुए, कहता है 1 महीना 10 दिन हो गए। मैं कितने खा लिए, कहता 2 लाख तो हमने खा लिया। तो मैं कहा भाई अगर थोड़े दिन और रुके तो और खा लोगे, कहते यार खेतों में काम जो शुरू होने वाला है ना वो अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में होगा। तो भाई जिसको किसी को पैसे कमाने हैं ना, अब क्या है कि जितने भी ठेकेदार हैं वो पंजाब के हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, वो आपको काम दे, घंटों के हिसाब से काम चल नहीं रहा था, घंटों के हिसाब में काम चलेगा जब कीवी तोड़ने का काम आएगा, उसको पैकिंग करने का काम आएगा। तो भाई सितंबर अक्टूबर में निकलना, ये इंफॉर्मेशन वीडियो है पूरा जो आपके बिल्कुल काम आने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। जाओगे, एक तो उनकी एक और बात आ रही, उनकी गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, अगस्त में उनके इलेक्शन होंगे। जैसे हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी है ना, एक आम आदमी पार्टी से हमारी वो जो अपनी दाती हथौड़ा और सितारा सर, उसका क्या नाम था पार्टी का, गरीब आदमियों की पार्टी, जो गरीब आदमी की पार्टी जो का पश्चिम बंगाल में पूरा राज किया उसने 30 साल तक, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, वो हाँ कमेंट में बता देना मेरे दोस्तों जो देख रहे हो, आपको पता होगा, हाँ सही एकदम बात से है। माइंड से नाम हाँ फ्लिप माइंड हो से गया। निकल तो जाती है। न्यूजीलैंड में वो गवर्नमेंट चल रही है, मतलब कि वो भर भर के उन्होंने बंदे बुला लिए, अब उनकी गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। अच्छा अब दूसरी बात, जो बंदा वहां पहुंच गया लेफ्ट अब वो लेफ्ट छटाई लेफ्ट कर रहे, पार्टी थी शायद। अब हाँ, लेबर पार्टी थी वो, कुछ भी थी, अपने वो याद नहीं आ रही है। अब उन्होंने क्या करने वाले हैं, अब जो बंदे वहां पहुंचे हैं ना, जिनके फेक डॉक्यूमेंट लगे थे, जो फेक डॉक्यूमेंट के साथ पहुंच चुके हैं, उन बंदों को और जिन एम्प्लॉयरों ने फेक डॉक्यूमेंट लगा लगा के बुलाए हैं, पहले तो वो एम्प्लॉयर उठाएंगे वो, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो फेक डॉक्यूमेंट में आए हैं वो सारे डिपोर्ट किए जाएंगे। ये इनके लॉयर की कहानी है। मैं यार लॉयर को मिल के आया हूँ यार, $50 मैंने एक पे किए, एक लॉयर को 50 एक पे किए। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आता हूँ भाइयों, नहीं वैसे ही नहीं वीडियो नहीं बहुत बनाते बहुत हम। सही इन्फॉर्मेशन दी है सर आपने। और पूरे ए टू जेड जो एक्चुअल में पता होना चाहिए वो आपने चीज़ बताया एक वीडियो में। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये लोग ना वहां अब वो क्या करेंगे, ये सारी जितने भी आदमी है ना, अगस्त तक छटाई से, अगस्त में उनकी गवर्नमेंट बनेगी, सितंबर तक उनकी गवर्नमेंट कंप्लीट बन जाएगी, और उनकी कार्रवाई पहली यही होगी जो अनलीगल है। मतलब वो ये लगा लो कि सितंबर तक ये सारी आदमियों की छटाई हो जाएगी, फिर वहां पे बंदा जाए जिसको पैसे कमाने हैं। एक तो पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, और पर आवर भी उन्होंने उनका अच्छा कर दिया यार, 23 कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि 28 हो जाएगा। और 10 घंटे आपने पैकिंग कर ली भाई, 280 बन गए, तो समझ लो 1 हफ्ते का तो आपका रेंट निकल गया, और दो फिर आप अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। मैं नहीं कहता 3-4 लाख रुपए कमाओगे बन के, पर अभी नहीं कमाने वाले भाई, ठीक है अभी तो आप लगाने वाले हो, और लगाने पकड़े वाले। गए तो डिपोर्ट हो गए। ठीक है तो भाई सोच समझ के निकलना, ये ये कुलदीप जी। पॉइंट की बातें हाँ बहुत ही डिटेल में आपने बताया, और सबसे बेसिक चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ें आपने बताई। कोई यूट्यूबर नहीं हैं। बताएगा ऐसे जैसे आपने ये किसी इन्फॉर्मेशन ने नहीं दी। बताया कि गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, हाँ कोई ग्रोसरी के किसी बारे ने में नहीं नहीं बताया, बताएगा, किसी ने नहीं कोई बताया। बताएगा नहीं लॉयर की फीस कितनी है। तो आप लोगों के नहीं लगेंगे, आप 7 kg अलाउड है ना बस। यार, कपड़े मैले होते ही नहीं, ये देखो बिल्कुल साफ पड़े हैं, क्योंकि इनका वातावरण शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। तो मैंने 15 दिन में यार 3 सूट चेंज किए, 5 दिन एक सूट बड़े आराम से डल जाता है, मैले होते ही नहीं है यार, यार चप्पल में मिट्टी तक नहीं लगती, जूतों में मिट्टी नहीं लगती। तो आप अपना 7 किलो का लगेज लेके जाओ, आपको कॉस्ट नहीं आएगी एयरलाइन की, और मैंने यार 10,000 रुपये
वैसे उन्होंने ले लिए यार 150 डॉलर लेंगे, बड़े दुख है मेरे को यार। तो ये चीजें बेसिक नॉलेज है जो आप वीडियो देखते हो आपको पता होनी चाहिए यार। बिल्कुल और बिल्कुल दूसरा मैं और रोबिन भाई जो वीडियो बनाते हैं हम जेन्युइन वीडियो बनाते हैं भाई, इसमें कोई धोखा नहीं होता, किसी के साथ कोई हेरा फेरी नहीं होती, बिल्कुल जिसका जो बिल्कुल काम होता है वो जेन्युइन होता है भाई। बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया कुलदीप जी, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, और ये बहुत ज़रूरी भी थी, और लोगों को पता भी होनी हाँ चाहिए, बिल्कुल, पता भी होनी ऐसा चाहिए। वीडियो मिलेगा नहीं, मेरी बात सुनो, न्यूजीलैंड का ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, न्यूजीलैंड का वीडियो मिलेगा लाखों कमाओ, झूठ उनके हाँ छितर मारो सालों में, गलत सही गाइड बोला कर रहे आपने, हैं। सही बोला आपने। तो हाँ ये बहुत वाइट ज़रूरी था कॉलर, भाई, ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए था, ये रियलिटी है, जो एक्चुअल ग्राउंड जीरो से ये बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ ये बाकी बाकी ग्राउंड की मर्जी आप बातें लोगों हैं की है यार। भाई, आप कुछ भी देखो, आप कैसे भी करो, कैसे भी ट्रैवल करो, वो आपकी अपनी मर्जी है, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि ये रियलिटी है, ठीक है ना। अच्छा कुलदीप जी, थोड़ा सा दिखाओ तो सही, हॉस्टल वगैरह जब भी आप हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं सर। अभी अरे सिडनी में कहाँ पे, सिटी सेंटर वगैरह में है कि कहाँ पे हैं आप? हाँ मैं सिटी सेंटर में हूँ सर, आप वैसे ही एक दिखा दो ना, लेडी है वैसे ही वीडियो वैसे कर, मूव कर दो ना 360 पे, थके ऐसे सो रहे हैं भाई साहब। सही है सही है। हुए हैं मेरे साथ। आज हम लोग ना अच्छा वहाँ सिडनी गए थे, मेनली बीच पे गए थे, तो ओके। भाई साहब थक चुके हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान से, मुनीत नाम है इनका, और यहाँ ये रह रहे हैं 10-15 दिन से, मुझे इसी हॉस्टल में मिले थे। ठीक है ठीक है ठीक है तो यहाँ सभी लोग अपना बना के खाते हैं। हाँ ठीक है एक बात कुलदीप और बता दूं भाई, ग्रोसरी इंडिया से ले आऊं और हॉस्टल बुक किया करो जैसे मैं करता हूँ। देखो अभी मैंने ना खाने पीने पे ये लगा लो कि इन 3 दिनों में 300 डॉलर लगा दिए हैं मैंने, मतलब एक टाइम का मैं बाहर का खाता हूँ तो 300 डॉलर लग जाते हैं, ठीक है और एक टाइम मैं खुद का बना के खा लेता हूँ, तो भाई बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एक बर्गर यार आपको 20 डॉलर 22 डॉलर का मिलेगा, बिल्कुल तो बिल्कुल भाई अब पकड़ के चलो 1200 1500 रुपये लग जाते हैं। बहुत सही है। तो आप हॉस्टल बुक कर लिया कीजिए, ये हॉस्टल बहुत तो बहुत ऐसा अच्छा है कुलदीप हॉस्टल जी, है। हाँ जी बिल्कुल, आपने दिखा दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। अब आपने अच्छे से सारी चीज़ें बताई हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी करेंगे लोगों के लिए, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा जॉब के बारे में बात करेंगे। तब तक आप थोड़ा और रिसर्च करना, देखना, तो लोगों को बताएंगे कि क्या रियलिटी है भाई, क्या आपको बताया जाता है और होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। थैंक यू सो मच कुलदीप जी, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, इतना इतना कीमती टाइम निकाला, आप ट्रैवल कर रहे हैं स्टिल आपने टाइम निकाला, ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच उसके लिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक।